ये तीन चीज जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। हर किसी को ये तीन चीज प्राप्त नहीं हो सकता। ये तीन बातें कौन से हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, निवेदन करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम ब्राह्मण के हाथ से तिलक, अगर आपको भी ब्राह्मण के हाथ से तिलक मिल जाए तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली माने जाओगे। कहते हैं कि हर शुभ कार्य में पूजा हो रहा हो, पाठ हो रहा हो, घर में कोई भी अच्छा शुभ कार्य हो रहा हो तो उसमें बैठने के लिए तिलक जरूर धारण करना चाहिए। आप जानते हैं तिलक की कितनी बड़ी महिमा है। अगर आप भी तिलक लगाते हैं तो आपको आपके साथ में कुछ गलत नहीं हो सकता, नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए तिलक लगाने का बहुत बड़ा महिमा है। जो व्यक्ति तिलक लगा करके रखता है वो भगवान का हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक से ही तो पता चलता है कि हम भगवान के हैं। अगर आप भी भक्त हैं, आप भी प्रभु का भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान को मानते हैं तो तिलक जरूर लगाएं। ये भगवान का होने का एक चिन्ह है और तिलक लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप किसी भी शुभ कार्य में बैठ जाते हो बिना तिलक के, सुना माथा करके आप कभी ना बैठें। जब तक तिलक ना लगाया जाए तब तक पूजा पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए तिलक को धारण करके ही शुभ कार्य में बैठना चाहिए। शुभ कार्य में ही क्या, हर समय हर दिन हम सभी को तिलक धारण अवश्य करना चाहिए। आप इतना लंबा मत लगाइए लेकिन थोड़ा सा तिलक तो जरूर, एक बिंदी मात्र भी जरूर धारण करना चाहिए। और कहते हैं जिस मनुष्य को ब्राह्मण के हाथ से तिलक लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है वो बड़ा ही धन्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है। कहा जाता है, एक सुंदर श्लोक है, तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथों से तिलक मिल पाना अत्यंत दुर्लभ है, सभी को नहीं मिलता। वो सौभाग्यशाली होता है जिसको ब्राह्मण के हाथ का तिलक प्राप्त होता है। तिलकम विप्रहस्तेन, उसको अनंत गुणा फल मिलता है। और मात्र हस्ते न भोजनम, माँ के हाथों का भोजन सबको नहीं मिल पाता। छोटे बच्चों को तो मिलता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है तो माँ के हाथ का भोजन खाने के लिए तरस जाता है। आप कितने बड़े अमीर हो जाओ, बड़े बड़े होटलों में आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन कितना भी पैसा खर्च करो माँ के हाथ का स्वाद आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। मात्र हस्ते न भोजनम, वो व्यक्ति धन्यशाली होते हैं जिसको माँ के हाथ का भोजन प्राप्त होता है। और पिंडम पुत्र हस्ते न, बेटा के हाथ से पिंडदान प्राप्त कर पाना। मृत्यु के बाद जो पिंडदान किया जाता है वो किसी और के हाथ से ना हो करके बेटा के हाथ से हो तो वो पिता बड़े ही सौभाग्यशाली हो जाते हैं। और ऐसे तीन चीज बार बार नहीं मिलते, इसलिए जब आपको मिल जाए तो उस तीन चीज का कदर करना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए।